हैप्पी एनिवर्सरी टू यू। हेलो, इफ्तारी करना है तुम्हारे घर पे, तुम्हारी फेवरेट कैरेमल पुडिंग बना के लेके। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। सो गाइस, आ चुके हैं डायरेक्ट किचन के अंदर सुबह सुबह उठ के ही, क्योंकि आज हमारा कोई स्पेशल दिन है। क्योंकि सो कल है मम्मी और अब्बा की एनिवर्सरी, मतलब आज रात को एनिवर्सरी है। तो हम लोग कुछ सोचे हैं कि ये बार तो सेलिब्रेशन कुछ कर नहीं सकते, बिकॉज केक वेक कट नहीं कर सकते, रमज़ान है इसलिए। तो ये बार इफ्तारी तो है ज़रूर, तो इंशाल्लाह से वो करेंगे। तो इसके लिए मैं आ चुकी हूँ किचन में। आज हमारी इफ्तारी नहीं, मम्मी के आपको लेके बट लोग को कुछ नहीं मालूम है। हम लोग यहाँ प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन लोग की जो जो चीज़ें हैं उन लोग के लिए बना रहे हैं, और अब्बा के लिए तो मैं खास ये बना रही हूँ कैरेमल पुडिंग, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो सोची गिफ्ट के तौर पर ये सब कर देते हैं उन लोग के लिए। और इतने रोज़े हो गए, मैं अभी तक की इफ्तारी वहाँ पर खोली नहीं हूँ। तो इसके लिए मेरा मन हुआ कि मैं जाती हूँ, पहले की रमज़ान भी तो फील होनी चाहिए ना। तो इसके लिए सब बना रही हूँ। तो मैं इधर एक चिकन KFC चिकन बना रही हूँ, इसके अंदर मैं बनाऊँगी चिकन कांडी, और एक चिकन बॉयल करने रखी उसमें बनाऊँगी चिकन कटलेट, और साथ में कैरेमल और फ्रूट्स रहे। घर का ज़रा भी नहीं छानता तो लोग, मतलब बाहर का ज़रा नहीं खाते, इसके लिए घर में थोड़ी मेहनत करके लेके जाएंगे। तो मिलते हैं आप लोग को आगे, तब तक कि मैं आप लोगों को KFC चिकन की रेसिपी बताती हूँ। गाइस, जिसके अंदर मैं बता दूँ आप लोगों को क्या लगेगा, तो एक कप मिल्क लगेगा, एक अंडा लगेगा, एक गार्लिक पाउडर एक चम्मच, एक चम्मच काली मिर्च, एक चम्मच नमक, और ये 1.5 स्पून मस्टर्ड पाउडर, मस्टर्ड सॉस, और एक चम्मच लाल मिर्च, और विनीगर जो है वो 2 कप लगेगा, मतलब 2 चम्मच लगेगा। तो सब चम्मच के ऊपर ही डिपेंड है। तो पहले मैं सब मिला देती हूँ, वरना मैं खुद कंफ्यूज हो जाऊँगी कि क्या है। और एक सीटी बच चुकी है कुकर में, दूसरी सीटी तो सब बात कर देती है। सो गाइस, पूरा मिक्स कर दिया, अब इसको मिक्स करते सब मसाला डाल चुकी हूँ मैंने, तब इसको मिक्स करते फिर मिलता। क्या कर रहा दानिश? मैं फिर यहाँ पे बटाटा खमोड़ा, यहाँ पे नौशीन क्या कर रहा, शिमला मिर्च काट रहे। क्या बना रहे आज स्पेशल? अच्छा, वाह वाह। मैं क्या बना रहा हूँ? तू तो आलू खमोड़ना ना, खाली हेल्प कर रहा है कि नहीं? चिकन मिक्स है। अच्छा, चिकन मिक्स है। हाँ, मैं कटलेस बना रहा हूँ। अच्छा, तू बना रहा है कटलेस? मतलब मैं मदद कर रहा हूँ, बनाई मेरी बीवी। हाँ, तो इसके लिए तो तैसे नहीं पूछी, नौशीन से पूछी है ना नौशीन? जो बनाया उसे उसे बना रहे। मतलब जो करा उसको मालूम ही नहीं रहता उन लोगों को, सिर्फ जो बोला जाता है वही डालते हैं लोग, समझ में बोली नहीं है, खुद से खुद ही मारते हैं। अच्छा, बोल दूं मैं भाई, क्या झूठी इंसान है बाप। नहीं, मैं मैं भी पूछी हेल्प करने का, हेल्प करूँ क्या? तो बोले नहीं, बोले नहीं, मालूम पड़ना चाहिए ना क्या बन रहा है, तो फिर उस हिसाब से हेल्प कर सकते हैं अपने मन से भी। नहीं मालूम हो क्या बन रहा है तो कैसे बन कर सकते है ना। ठीक है, चलो चलो हेल्प करो, फटाफट बना लो, फिर रखती आज तो मेरा फटाफट बन गया। तो यहाँ पर दानिश लेके बैठे है, पूरी आंखें लाल लाल हो चुकी है। यहाँ पर मैं सब सामान बना के रखी हूँ, क्योंकि जो कटलेट बनाना है वो बना लेते हैं। तो हो गया सब? ये क्या कर रहे नौशीन? पहले क्या डाले तुमने? ये तो गाइस, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल चुके नौशीन ने अंदर। अभी उसके बाद क्या ये रेसिपी बताने जैसी नहीं बताने मम्मी के चैनल पर। तो गाइस, ये रेसिपी बताने जैसी नहीं, आंटी अंकल ने बना चुके, तो हम कॉपी नहीं करते इसके लिए। तो आप लोग जाके देख लो आंटी अंकल के ब्लॉग में, हम अक्सर बना रहे कटलेट, उनका देखे देखे ना नौशीन, देख देखे। अच्छा, इसके लिए चलो गाइस, अभी जैसा सा बनते हैं वैसा सा दिखाते आता हूँ मैं। अभी नौशीन बना दिए बहुत सारी चीज़ें, 3-4 आइटम तो बना ही दिए ना नौशीन। चार क्या लेंगे? फ्रूट्स है ना, घर पे काट काट के लेके जाएंगे आराम से, है ना। चलो तो गाइस, KFC चिकन की जो वो थी वो हो गई है। अब इसका जो मिलाने का, कोटिंग करने का, तो वो बना रहे हम लोग। तो इसके अंदर लगेगा मैदे का आटा, और साथ में लाल मिर्ची, गार्लिक पाउडर, ऑरिगेनो और चिल्ली फ्लेक्स। तो ये सबको
मिला देना है और ये चिकन को, और ये चिकन का जो थोड़ा पेस्ट रहेगा ना वो वेट पेस्ट इसमें डाल के फिर ये KFC चिकन को इसमें कोट करके फिर फ्राई करना है। तो इसकी रेसिपी हो गई, फ्राई हम लोग जाके वहाँ करेंगे क्योंकि गर्म गर्म खाने में मज़ा आएगा, इसलिए फ्राई से कट लेस का बन चुका है पूरा, इसको ठंडा करने रखे। अभी नौशीन ये क्या बनाया तुम दूसरा? ये KFC चिकन जो बनाया ना उसका बैटर की मैंने बता दी रेसिपी कैसी है, अब okay. बस इसके अंदर ये डालना है। तो मैं सोची ये थोड़ा घर वर के लिए भी रख ली थोड़ा थोड़ा, क्योंकि इतना बनाया तो घर में भी तो खाना चाहिए। यस 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 जी जी, घर के लिए रख देती तो कोटिंग करके रख देती हूँ सब, फिर तैसे मुझे को बोल देंगे तल देंगे। ओके चलो गाइस, अब उसको तलने के बाद मिलता आप लोग को। ये बैटर भी ले लूँ घर के, कोटिंग वोटिंग करके फ्राई कर लो, फ्राई करके लेके डब्बे में डाल के लेके आएगा। तुमको बोला वहाँ तलेंगे, भाई को वहाँ तलेंगे, कब बोला मैंने? तुम बोले, मैं इसके लिए ब्लॉग में बोली कि फ्राई वहाँ करके करूँगा। हाँ तो बैटर ले लो सीट, अभी आधा घंटा है अपने को, फटाफट हाँ तो दोनों का बैटर ले लो। चलो ठीक, तुमने अब्बा मम्मी को बोले तो नहीं ना? नहीं पागल हो। हाँ सो गाइस वहाँ पे जाके मिलते आप लोग, लोगों ने कितना कुछ बनाई है मतलब ऐसा तो हमने बताया नहीं, तो अभी मिलते आप लोग को वहाँ पर ना। वैसे गाइस टाइम हो चुका है मतलब आधा घंटा बाकी, नौशीन तुम्हारा एक घंटा बाकी तुम्हारा होगा कि नहीं? नौशीन सो गाइस ये देखो ये बन चुका है, ये भी बन चुका है, ये भी बन चुका, तीन डिश बना लिया तुमने अलहमदुल्ला, के लिए तीन डिश बना लिया। और क्या कोटिंग वोटिंग के लिए सिर्फ तलना है क्या? कोटिंग। सो गाइस देखता हूँ मैं अंदर आके क्या बनी है। ये देखो गाइस ये नहीं, अच्छा ये मम्मी के, ये अच्छा ये तू हमारे को बता गया ये नहीं होने दू नहीं, आप वही अच्छा। सो गाइस जल्दी पैक करो ना तुम यार, क्यों अच्छा तो गाइस ये पैक करने आप लोग को मिलते हैं। फिर गाइस हम लोग जाते हैं डायरेक्ट लोग के घर पे, फिर तलन वलन करते हैं, इन लोगों का रिएक्शन देखते हैं कैसा रहता है कैसा नहीं, क्या बोलती नौशीन? ओके चलो गाइस, आइजल भी इधर आके रोना चालू कर दी, तो कब से रो रही है फीडिंग के लिए? नौशीन कब से रो रही है आइजल फीडिंग के लिए? तुम्हारा हुआ नहीं हुआ? इसको फ्रीड करा फिर जाते हैं अपन। ओके चलो गाइस ये पैकिंग चालू है नौशीन की, अभी क्या बाकी है इसमें पैक करना? सो गाइस देख सकते हैं आप लोग चिकन विकन हटा बता तो सही। सो गाइस ये पैक हो चुका है, चलो गाइस अभी मिलता आप लोग को वहाँ पर पहुँचने के बाद, है ना? वहाँ पर पहुँच के मिलेगा ना बेटा? चलो गाइस आप लोग को मिलता है पहुँचने के बाद। सो गाइस हम लोग निकल रहे हैं सब पैक वैक करके, यहाँ पर सब आंटी दे रहे बोले ये कर, चलो जाएंगे, चलो अल्लाह हाफिज। चलो गाइस जाते हैं घर पे, मिलता है आप लोग को। इतना सारा सामान घर हो हम लोग घर पर चढ़ रहे हैं, दानिश बेचारा पीछे तो सारा सामान ले रहे हैं, वो थक गई तो अपने आप घंटी हो जाते हैं। सरप्राइज भारी खड़ा हो गया रोजेदार को। हैप्पी एनिवर्सरी टू यू। अब्बा का है हम लोग ने इफ्तारी लेके आए घर में, सोचे इधर इफ्तारी खोले हुए एनिवर्सरी के लिए। सरप्राइज देगा बोले बुड्ढा बुड्ढी अकेले रह गए, हम लोग इसमें टपक जा रहे हैं, क्या टपक जाए मतलब हम इसमें आ जाए, तुम लोग इफ्तारी में टपक जाए ना मैं कुछ भी मत बोल। हाँ नहीं मैं हम लोगों ने लेके आखिर सब बनाई, मैं तीन डिश बनाई, अब्बा के लिए कैरेमल बनाई, अब्बा अच्छा खाता, अब्बा खाते हाँ गाइस वो थक गई, चलो बाद में बार बार खाते। अभी हम लोग तलने खड़े हुए हैं और अभी यहाँ पर मम्मी तेल निकाल के दे रहे हैं मेरे को कि तल दूँ मैं। कौन आया? सरप्राइज हेलो इफ्तारी करना है तुम्हारे घर पे, हैप्पी एनिवर्सरी टू यू। एनिवर्सरी के लिए हम लोग आए, सोचा केक वेक तो कट नहीं कर सकते हैं तो इफ्तारी साथ में कर लिया जाए, तो मैं तुम्हारी फेवरेट कैरेमल पुडिंग बना के लेके आई। एनिवर्सरी मेरी शादी नहीं हुई तुम्हारे साथ, देखो कैरेमल पुडिंग देखो कितना बड़ा डब्बा, अब्बा पहले से बड़ा डब्बा खाते हैं इसके लिए अब्बा के लिए सबसे बड़ा डब्बा आधा किलो का बना के लेके आए। हाँ अमित गंदे हाथ से बनाया, खाओगे तो मजा आएगा। और कांटी कोशी बना दानिश की जैसी, सब मैं बना के लाई, ये KFC चिकन है, खाओगे मजा आ जाएगा। चलो तो भूख भी बहुत लग रही है, हाँ, तो पानी को पी लो, बहुत भूख लगी है, खाते नहीं है आज, बोलते हैं इफ्तारी में कुछ खाते नहीं है, जरा सा खाएंगे और भाग जाते, दानिश भी नहीं खाते थे फ्रूट खाते। आज ना बहुत जल्दी उठ गया था मैं, एसी वाला आया था, ऐसे रोजा लग गया, बनाने वाला आया उसमें थोड़ा रोजा लग गया, सही बात है। चलो गाइस चलो अभी तल लेते फटफट क्योंकि टाइम बहुत कम है, तो अभी जाते हैं जल्दी जल्दी तलने, फिर मिलता है आप लोग। सो गाइस इधर नौशीन तलने खड़ी हो चुकी है,
तेल गरम हो गया? नहीं हो रहा। चलो ठीक है। ये भाग भाग हो गया। हाँ तो गार्डन चले जाओ। भाग भाग हो गया गार्डन चले जाओ। आज तो कलर ऐसा लग रहा है कि मस्त बना है। हाँ। क्यों? नहीं तो अभी अच्छा नहीं लगती। तू मौका नहीं देती कुछ बोलने का। तू आइए आइए खाली बोलती तो मैं क्या करूँ ना। मैं तो कितना मजे से देख रहा हूँ क्या कैसा बन रहा है। तो गाइस देखो तो बेदे में लपेट लिया। हमेशा की तरह ये देखो बेदे में लपेट लिया। अभी क्या करोगे ना उसे? बेड के तल देंगे। बेड किधर है? अच्छा मैं लगाया था मम्मी के पास। ये क्या कर रहे अंकल तुम? ये हम लोग स्टॉक में रखते हैं। अरे ये क्या कर रहे बाल में रुमाल बांध के? अभी जा रहा हूँ ना भाई। किधर है? वजू करने। अच्छा तो डॉक्टर ने मना किया बाल भीगने मत देना। वजू नहीं होगा इसे मैं अंकल पहले कटलेट ये जो मैंने बनाया वो है ना अभी तो फिर फूटिंग भी मैंने बनाया। तुमने क्या नाम क्यों ली? सो गाइस इतना फास्ट फास्ट काम किया तीनों गैस पे उसने तलने रख दी। इधर कैंडी को से इधर कबाब और इधर क्या लास्ट वाला क्रिस्पी। अरे यार क्रिस्पी का मैंने जो बैटर बनाई थी ना। हाँ क्या चिपक गया? आटा चिपक। अभी क्या होगा? चलो गाइस बाकी तुम इतने एक्टिव पे था तुम सबको देख लोगे एक साथ। चलो ठीक। हाँ देखा। तो गाइस तुम अच्छी वाली क्रिस्पी बन चुकी है तो आप लोगों को खाने के बाद मन पड़ेगा कैसी लगी कैसी नहीं ना। मुझे मेरी नहीं मतलब अकेले का नाम ले रही। हाँ अकेले का नाम। हाँ तो हाँ अकेले का नाम क्यों ले रही? मैंने बनाई वो तुम नहीं थे उसमें। अच्छा हाँ हाँ सही है कोई नहीं। हाँ देखा ना क्या देखे उसमें रख दी ना प्लेस में था वो ले 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 ले। चलो तो हुआ क्या नहीं हुआ नौशीन तुम्हारा? हो गया माशाल्लाह टाइम से पहले। तो गाइस देख सकते हैं एक प्लेट उधर है फ्रूट के साथ रख चुके हैं। देख सकते हैं आप लोग एक प्लेट इधर है और थोड़ा बहुत तेल में है ना। तो ले ले करो ये बेट अभी दुआ का टाइम हो गया। बहुत है माशाल्लाह। हाँ जाए वहाँ तुमने कुछ बनाया नहीं क्या आज? हम लोग चार पीस देख के तुम्हारा लग दी जल्दी से मेरा। अच्छा क्या चलो निकला चलो जल्दी बैठ जाते चलो। सो गाइस अभी बैठते हैं दुआ के लिए। दुआ के बाद भी खोलते हैं रोजा है ना। चलो गाइस यहाँ पर बैठ गए दस्तखान पे और दानिश के लिए मैं रूह अफजे का शरबत बना दी थी क्योंकि हम लोग मम्मी यहाँ पर अचानक आए तो मैंने पुडिंग बनाई थी। तो यहाँ पर पुडिंग निकालेंगे। नहीं आ रही है बड़ी बेट बड़ी तो ना ये KFC चिकन बहुत प्यारी बनी हुई एकदम कुरुम कुरुम लग रही है। अरे तेल काला हो गया इसके लिए। आइजल आइजल पापा मेरा पापा कहा है? अल्ले मम्मा आ जाओ जा खोलेंगे आ जाओ। KFC चिकन बाकी इसका कलर थोड़ा वो हो गया जैसे KFC पिक्चर आई थी वैसे। हाँ तो KGF थी। नहीं हुआ ना अगर तो मार खाओगे तो अल्लाह अकबर नीचे रख देना भी आया इतना ही। अरे रुको मेरे को मालूम है साइड से ये ओह माय गॉड ये डब्बे का कलर तुम्हारे लिए ही रखा हो। दानिश बोला मैं नहीं खाऊंगा। तुम तो बोला अभी कब बोला? अभी सर दूध दूध बनाती रुको। इसे का चाहिए चाहिए तुमको चाहिए कुछ चाहिए? तो गाइस यहाँ सब बैठ गए दुआ के लिए। चलो भी खोलेंगे स्वीट सा छोटे मोटे घरों का इफ्तारी। दो प्लेट रहती है अच्छा सही बात है। तो गाइस अजान हो गई है सब अपनी अपनी इफ्तारियाँ खोल लो रोजे खोलो। आजल तेरे को भी खोलना है? खोलने का है? हाँ हाँ भागो भागो लेने भागो बस नहीं खाती हो? हाँ अबे पहले फ्रूट्स खाते झूठी तारीफ नहीं सच्ची तारीफ। उसमें कभी हाथ लगा था ले लिया कलर लगा ना अच्छा ऐसे अच्छा बने बस। चलो गाइस हम लोग भी खाते हैं। अब्बा खा रहे हैं कैरेमल पुडिंग। मैं पहली बार बनाई हूँ ये मेरी लाइफ में।
क्या ये मस्ती कर रहे हैं अच्छा बात है मैं वो मैं लगे सो गाइस यहाँ पर आइजल रो रही सब चाहिए उसको खाने के लिए बट अभी टाइम है मम्मा अभी नहीं खाने का सो गाइस यहाँ पर खराब है ब्लॉग में आने के लिए कैसा बना मम्मी सब चीज खाना सब अच्छा है लेकिन मम्मी जो जो तुम्हारी रेसिपी ना सेम तुम्हारी जैसी बनती है यार कसम से लोगों को लगता है अलग बनती लेकिन सेम एग्जैक्ट बनती है आपका सेम बनी सेम बनती है लेकिन मुझे तो टेस्ट मालूम है मम्मी के हाथ का लेकिन मैं जब मम्मी की रेसिपी बना के बताती हूँ तो सेम ऐसी कांडी गोश भी एक नंबर बना है कैसा बना कांडी गोश कांडी गोश कैसा बना था सबको ज्यादा वही अच्छा लगा तुमको है ना मैं फ्रूट लेने गया ना बना दे वो अच्छी थी एक तुम लोग ठीक है तो कल बना अच्छा सही है तो गाइस चलो यहाँ पर हो गई हमारी इफ्तारी माशाल्लाह सबको अच्छा लगा तो केएफसी चिकन जरूर ट्राई करना बट थोड़ा ज़्यादा नमक डाल देना क्योंकि दानिश को कम लग रहा है अब्बा मम्मी को ज़्यादा लग रहा है कम मतलब नॉर्मल लग रहा है दानिश को कम लग रहा है बाकी आप लोग के हिसाब से डालना कौन नंबर बाकी बहुत ही फर्स्ट क्लास सब चीज़ बनी सो गाइस अभी हम लोग उतर गए थे नीचे जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले के व्लॉग में बोली कि मुझे आइजल के लिए टॉयज लेना था तो इसके लिए हम लोग उतर गए थे तो एक टॉयज तो ले लिए बाकी और दो तीन लेना है तो दानिश बोले चलो आज ले ही लेते हैं क्योंकि वो एंजॉय करती तभी उसको चाहिए रहता है हाथ में कुछ भी क्या बोलते हैं हां दिला दे तो अभी सब दुकान में जाते हैं ना तो गाइस आइजल के लिए अच्छे अच्छे खिलौने लेके आ चुके हैं हम लोग वो आप लोगों को मिलेगा आइजल के ब्लॉग में देखने को क्योंकि वो बहुत ही यूनिक एक्टिंग करती है माशाल्लाह माशाल्लाह ना मम्मा मजा आती तुमको खिलौने के साथ खेलने और गाइस ये लोग की हैप्पी एनिवर्सरी हो चुकी है हैप्पी एनिवर्सरी हैप्पी एनिवर्सरी टू यू बहुत आगे आगे ओहो हम लोग भी लाइक बता तो मेरे ब्लॉग में देख लिया क्या हुआ ले लिए सो गाइस ये लोग एनिवर्सरी और सुफियानी दा भी आ चुके हैं एनिवर्सरी के लिए मैंने आज ही सेलिब्रेट कर ली बोले कल तू करेगा सोचा मैं ही कर लूं क्योंकि तू सबसे पहला तू ही आने वाला है ब्लॉग में भाग से क्या होगा मैं तो बना ही लूंगा ना ठीक है तो गाइस चलो अभी जा रहे हैं हम लोग घर पर मिलते हैं आपको भाग